हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वेलकम वंस अगेन। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की वीडियो नंबर 2 आ गई। नया टॉपिक है आपके सामने, तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन करना। टॉपिक बहुत इजी लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्वेश्चन को पढ़ना भी मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टॉपिक आपके सामने आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक कॉमर्स वालों के लिए है जो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं। आपको याद होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो साइंस वाले बच्चे परेशान ना हो, कॉस्ट का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, खर्चा करते हो, दैट इज कॉस्ट। और रेवेन्यू का मतलब है जो उस बिजनेस से आपको ग्रॉस इनकम निकल के आती है, दैट इज रेवेन्यू। अगर उस रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को हटा देंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल, किसी की केले बेचने की दुकान है और वो 100 बनानास लेके आया 2 रुपए के हिसाब से, तो 200 रुपीज उसकी कॉस्ट हो गई। और उसने वो 3 रुपए के हिसाब से बेचे तो 300 रुपीज रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू टोटल ग्रॉस इनकम होती है। अब उस 300 में से अगर 200 माइनस हो गए तो वो आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज। ओके, तो ये तो बात हुई प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट क्या है। अब बात आती है मार्जिनल। तो ये भी इकोनॉमिक्स का वर्ड है। मार्जिनल अगर आपने पढ़ा हो तो मार्जिनल का मतलब है एक आइटम में इंक्रीमेंट करने से टोटल कितना चेंज होता है। देखो, मेरे को इकोनॉमिक्स तो ज्यादा आती नहीं, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। एग्जाम्पल, सपोज एक वर्क है, उसे 10 आदमी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी और आ गया तो टोटल आदमी हो गए 11। तो वो काम कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, उस काम में कितना चेंज आएगा, तो कुछ इस तरह से मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। ऑलराइट, बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें तो आता ही है, साइंस वालों के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया ये। चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट का मतलब क्या है, चेंज होना, किस रेट पर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ चेंजिंग। अभी देखो, आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तब ज्यादा समझ आएगा। तो गाइस, पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कॉस्ट का। आपको कॉस्ट दी होगी सीएक्स या सीटी से। सीएक्स का मतलब जो क्वेश्चन होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, और सीटी का मतलब क्वेश्चन के अंदर टीटी वेरिएबल होंगे, तो एक ही बात है। आपसे पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो बेटा कॉस्ट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे, देखो डैश है, डैश माने डेरिवेटिव, अगर एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा, अगर टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, अगर रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज आर एक्स और आर टी डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल विच इज इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। अगर सवाल एक्स में तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा, टी में तो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको मिलेगा रेवेन्यू का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए जी, न्यूमेरिकल देखते हैं, समझ में आएगा आपको। एग्जाम में आया हुआ है ये, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है, 2 मार्क्स के अंदर। इसने लिखा है कॉस्ट हमें दी हुई है सीएक्स, ये देखो कुछ कॉस्ट है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ठीक है, डेसिमल में, नो प्रॉब्लम। और हमसे इसने कहा है मार्जिनल कॉस्ट बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 3। ये आउटपुट है, मतलब जब 3 आइटम का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट है, ये कॉस्ट हमें दी हुई है सारी की सारी, हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट। सी डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आएगा और ऊपर 2 बचेगा, याद है ना फॉर्मूला, तो 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर, इधर 2 आगे आएगा तो 0.04 और 30x का 30 एंड दैट विल बिकम 0। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। आंसर यही होता अगर एक्स की वैल्यू 3 ना दी होती, तो इसने एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है तो काम आगे बढ़ाने को बोल दिया। इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव होके हमारी निकली है ये वाली, इसके अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 डाल दो, एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, नहीं दी होती तो यही आंसर होता, दी हुई है तो काम आगे बढ़ जाएगा। डालिए इसके अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां डालिए 3 मल्टीप्लाई होने के बाद, ओवरऑल मुझे मालूम है आपकी कैलकुलेशन बहुत शक्तिमान है, तो आपका आंसर 30.02 आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट पूछी है डेरिवेटिव, रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है डेरिवेटिव। ओके गाइस, वैल्यू दी है तो रख दो, अदरवाइज वही आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हां जी, अब आ गए कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। देखो,
अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये फिजिक्स का टॉपिक है, कोर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब कॉमर्स वाले परेशान ना हो, ठीक है? तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो उसके अंदर कोई फिगर होगा, लाइक स्फीयर होगा, कोन होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इस टाइप से कुछ फिगर्स आपको दी होंगी, 2D या 3D। तो उस क्वेश्चन के अंदर ना ये वर्ड्स होंगे, इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हो सकता है उसके अंदर वो चेंज, वो बोले चेंज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ वॉल्यूम या एट व्हाट रेट हाइट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या एट व्हाट रेट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, किसी के भी साथ ये सब लगे हो सकते हैं। या हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज चेंजिंग, हाउ फास्ट वॉल्यूम इज चेंजिंग, इस तरह से वर्ड होंगे, है ना। या हाइट इंक्रीसेस तो प्लस में लेना है जब इंक्रीज हो रहा हो, या वॉल्यूम डिक्रीसेस तो माइनस में लेना है। तो इनके अलावा और कोई वर्ड आपके सामने नहीं आएगा, तो ट्रस्ट मी आप ये सारे याद रखें। तो जहां पर भी ये वर्ड होंगे इनका मतलब है d/dt, ये इसका मतलब है। t माने टाइम, ठीक है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जैसे आपको वो बोले कि रेडियस चेंजेस, इसका मतलब dr/dt। आपको बोले एट व्हाट रेट वॉल्यूम, तो उसका मतलब dv/dt। आपसे बोले हाउ फास्ट हाइट इज चेंजिंग, इसका मतलब dh/dt, ठीक है। डेप्थ इंक्रीजेस, डेप्थ dd/dt, या जो भी आपने डेप्थ का नाम रखा है, सपोज करो आपने हाइट ही नाम रख दिया डेप्थ का, जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है। एरिया डिक्रीजेस तो dA/dt, इनको हम नेगेटिव में लेंगे, जो भी लेंगे डिक्रीजेस का। तो गाइज क्वेश्चन के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, और जहां पर भी ये दिखे तो आप समझ जाना इसका ओवरऑल मतलब है d/dt, आगे वही आएगा जिसके साथ ये लिखा है। एग्जाम्पल मैं बोल दू मोमोज चेंजेस तो d/momos/dt, है ना। हाइट इंक्रीजेस dh/dt, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन के बीच में कहीं भी मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में या बाद में, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आगे देखो, हो सकता है ये वर्ड ना हो, एक वर्ड और है इनके अलावा, वेरिएबल। अगर कहीं पर लिखा हो वेरिएबल रेडियस, तो इसका मतलब अपॉन में dr आएगा, विद रिस्पेक्ट टू dr। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे वॉल्यूम बताओ, इफ वेरिएबल रेडियस इज देयर, तो इसका मतलब dv/dr, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एरिया बताओ, इफ देयर इज वेरिएबल रेडियस, इसका मतलब dA/dr, ठीक है। तो वेरिएबल जिसके साथ है वो अपॉन में आएगा, और अगर ये वेरिएबल वर्ड नहीं है इसके अंदर, ये सारे हैं, तो हमेशा d/dt आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार जरा मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूं हाउ फास्ट एरिया, dA/dt, ऑफकोर्स। एट वॉट रेट वॉल्यूम, dv/dt, ऑफकोर्स। डेप्थ हाइट इंक्रीसेस, dh/dt, वेरी गुड। सरफेस एरिया चेंजेस, dA/dt, सरफेस एरिया को भी यही बोलेंगे, एरिया। तो जहां पर भी ये वर्ड होंगे आप समझ जाना d/dt आएगा, t बोला तो टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ओके। और ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर लिखा हुआ है वेरिएबल रेडियस तो विद रिस्पेक्ट टू r होगा। तो ये बातें याद रखें। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। चपाटी, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5, ऑलवेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पर टाइम है, अनलेस स्टेटेड। मतलब अगर आपसे कुछ ना कहा जाए तो अपने दिमाग में बिठा लो कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो इसका मतलब dv/dt मांग रहा है। मैं आपसे बोलूं एट व्हाट रेट एरिया, तो इसका मतलब एट व्हाट रेट का मतलब d/dt मांग रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एट व्हाट रेट एरिया विद रिस्पेक्ट टू अ रेडियस बताओ, तो dA/dr मांग रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं एट व्हाट रेट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h बताओ, तो उसका मतलब dv/dh मांग रहा है। तो अगर कह दिया गया कि विद रिस्पेक्ट टू इसके, तो अपॉन में वही लगा दो। रेडियस के रिस्पेक्ट में तो विद रिस्पेक्ट टू r करो, हाइट के रिस्पेक्ट में तो विद रिस्पेक्ट टू h करो। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और बोला हुआ है कि एट व्हाट रेट वॉल्यूम, तो उसका मतलब dv/dt, ठीक है। कुल मिला के बात यह है, अगर बता दिया गया है क्वेश्चन में कि विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो उसको यूज करो, नहीं बताया तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो ये अपने दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो, ऑलवेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी अनलेस स्टेटेड, अगर कुछ ना कहा जाए, ठीक है।
न्यूमेरिकल देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करता हूं अभी। देखो गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, आराम से पढ़ो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए अपॉन डी टी, है ना। अभी तक दिमाग में क्या सेट है कि जहां पर भी रेट ऑफ चेंज है इसका मतलब डी ए बोला तो एरिया, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। ऑफ सर्कल, अच्छा मतलब कोई सर्कल है इसके अंदर रेडियस भी होगी तो इसके एरिया का हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ओहो खेल बदल गया, इसने कहा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब हमें डी ए अपॉन डी टी नहीं निकालना, हमें डी ए अपॉन डी आर निकालना है, ठीक है। यहां इंफॉर्मेशन दे दी गई, इंफॉर्मेशन ना दी होती तो हम डी ए अपॉन डी टी निकालते, टाइम के रिस्पेक्ट में करते। तो देखो पकड़ने वाली बात, पहले जो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है वो डायग्राम बना लो, इससे आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम बना लोगे तो फॉर्मूले याद आ जाते हैं बस। और डी ए अपॉन डी आर निकालना है, हालांकि हम रेट ऑफ चेंज को पढ़ के सोच रहे थे डी ए अपॉन डी टी, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे गए इंफॉर्मेशन पूरी मिली विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो रेडियस भी दी हुई है 3, ओके नो प्रॉब्लम, ये 3 सेंटीमीटर हमें रेडियस भी दी हुई है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ऑल राइट, ठीक है। अब देखो स्टेप, सबसे पहले आप बना लो डायग्राम, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बनाओगे तो बेनिफिट होगा, फॉर्मूला याद आ जाएगा। फिर लिखो क्या निकालना है, फिर लिखो क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन टू अस, ठीक है, जो निकालना है उसी का फॉर्मूला लिख दो। पहले डालो हेडिंग एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर याद है अच्छी बात, नहीं याद तो एक पेज पे सारे 2D और 3D के फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। 2D मतलब सर्कल, एरिया सर्कल, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल इस टाइप से, और 3D मतलब कोन स्फेयर क्यूबॉइड, इनके फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। अब कर दो जी इसको डिफरेंशिएट, और विद रिस्पेक्ट टू आर करना है क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी हुई है, नहीं दी होती तो विद रिस्पेक्ट टू टी करते। यहां आएगा डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी आर, आर स्क्वायर का कितना आएगा 2πr, हो गया डेरिवेटिव। अब डाल दो जी इसके अंदर वैल्यूज, 2π को पाई रहने दो, आर कितना है r3 है। एक बात और, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव होने के बाद पुट करें, अगर आपने ये 3 पहले ही पुट कर दिया होता तो ये सारा कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट हो जाता तो डेरिवेटिव करते टाइम सारा ही जीरो हो जाता। तो ध्यान रखें जो भी डेटा है डेरिवेटिव के बाद पुट करें, ठीक है। डेरिवेटिव हो गया, इसके बाद नाउ लिख के डेटा पुट कर दें, आंसर आ गया आपका 6π, और पीछे लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, पर सेंटीमीटर, पर का मतलब क्यों, अपॉन की वजह से आया ये पर, और सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में होती है। तो ये आपका आंसर है। साइंस वाले बच्चे इसे इससे कट ना करें, कभी MLT वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, मालूम है ना MLT, कॉमर्स वाले इस बात को अवॉइड करें MLT क्या होता है, मैं साइंस वालों से थोड़ा सा मजे ले रहा हूं। तो प्लीज आंसर ऐसी छोड़ें, अगर यहां पे टी होता डीए अपॉन डीटी तो आंसर ऐसे आता सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मिनट आवर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो इसके मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखना। एक और देखते हैं गाइस, बड़े आराम से देखो, क्वेश्चन बड़ा है नो प्रॉब्लम। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, अच्छा स्फेयर है, बनाओ जी डायग्राम, ये बन गया जी स्फेयर। स्फेयर का डायग्राम देखो इस टाइप से बनता है, तो ये बन गया डायग्राम, ये इसके अंदर रेडियस है। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है लेकिन हम बनाएंगे हमेशा ताकि फॉर्मूले याद आ जाए। हैज वेरिएबल रेडियस, ओहो वेरिएबल रेडियस आ गई, समझ जाओ विद रिस्पेक्ट टू आर कुछ होने वाला है। फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम मतलब डीवी अपॉन डीटी, वॉल्यूम का डेरिवेटिव हमारे दिमाग में टी है। आगे देखते हैं विद रेडियस, ओहो यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में काम होना है, इसका मतलब डीवी अपॉन डीआर निकालना है हमें, ठीक है। डायग्राम का स्टेप हो गया, ये हमें निकालना है, और रेडियस हमें दी हुई है कितनी 10, ठीक है जी। स्टेप आपको मालूम है, बात हो रही है वॉल्यूम की तो पहले हेडिंग डाल दो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है गाइस, वॉल्यूम याद रखना है 4/3πr³। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ही होगा ये भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा डीवी अपॉन डीआर। बताइए इसका डेरिवेटिव आर क्यूब का होगा, आर क्यूब, क्यूब जब आगे आएगा तो क्यूब से ये 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 4πr² 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू आप डालो कितनी है 10, तो 10 डालोगे तो 100, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं 400 cm³/cm। दिस इज द आंसर। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है,
पर क्यों? क्योंकि अपॉन है। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में है। अगर ये मीटर में होता तो मीटर क्यूब पर मीटर होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहां विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्लियर कट दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू आर करो। ठीक है, वेरिएबल का भी यूज हो गया। अब लेता हूं मैं टी वाले क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व कर लो, वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो। हां जी बच्चा पार्टी, दो क्वेश्चन आपके सामने और, बड़े आराम से देखना, डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, इसने कहा रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अच्छा, मतलब रेडियस में चेंज है, मतलब रेडियस का डेरिवेटिव है। एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट को देखते ही पता चल रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब ये डेरिवेटिव है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो ये रेडियस होती, लेकिन ये पर सेकेंड आ गया ना। पर का मतलब अपॉन, सेकेंड का मतलब टी टाइम, तो इसका मतलब आपको सर्कल है तो पहले बना लो आप सर्कल, इस तरह से रेडियस होगी, और आपको डी आर अपॉन डी टी दे दिया गया है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। ठीक है, और कोई जानकारी नहीं है, और यूनिट को देख के पता भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया है व्हाट इज द रेट। अच्छा, रेट का मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का रेट निकालना है, मतलब डी सी अपॉन डी टी वी नीड टू फाइंड। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। बात हो रही है किसकी? सर्कमफेरेंस की। तो आप सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम बोलेंगे सी इज इक्वल टू 2πr। देखो एरिया की बात होती है तो ए बोलते हैं, वॉल्यूम की बात होती है तो वी बोलते हैं, रेडियस की बात होती है तो आर बोलते हैं। सरफेस एरिया की बात होगी तब भी हम ए ही बोलेंगे। अब करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, इसने कहा नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू आर करो। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन में ऑलरेडी टी के रिस्पेक्ट में डेटा अवेलेबल है, तो जैसा देश वैसा भेष। तो सी का डेरिवेटिव होगा गाइस डी सी अपॉन डी टी। ओके, 2π तो कॉन्स्टेंट है, ऐसी रहेगा। और R का डेरिवेटिव होगा डी आर बाय डी टी। अगर विद रिस्पेक्ट टू R होता तो R का डेरिवेटिव 1 हो जाता, यहां विद रिस्पेक्ट टू T हो रहा है इसलिए डी आर बाय डी टी। जैसे Y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X होता था तो dy बाय dx आता था, ऐसी R का विद रिस्पेक्ट टू T होगा तो डी आर बाय डी टी आएगा। ठीक है, मैं यहां पर जा रहा हूं, जगह कम है। तो गाइज डी सी अपॉन डी टी देखिए मेरा आने वाला है 2 एज इट इज, पाई ऐसी छोड़ दो, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 0.7। ठीक है जी, पुट कर दो तो याद आएगा 1.4π, और आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड, आंसर खत्म। ठीक है, क्योंकि देखो ये सर्कमफेरेंस है और सर्कमफेरेंस स्क्वायर में नहीं आती। अगर ये एरिया होता तो लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि सर्कमफेरेंस की यूनिट भी वही रहती है तो इसलिए आंसर भी वही रहेगा। अच्छा, पता कैसे चलता है? फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में जो डायमेंशन है, जैसे रेडियस की पावर 1 है तो सेंटीमीटर आएगा, एरिया के अंदर देखो पाई आर स्क्वायर, आर की पावर 2 हो जाती है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, वॉल्यूम के अंदर कुछ क्यूब में चलता है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये इसका बेसिक फंडा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी पकड़ में आया होगा। तो क्वेश्चन को ना तोड़ दो, पढ़ते वक्त उसको ब्रेक कर दो। आगे देखो, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ये वेरिएबल वर्ड क्यूब के साथ है, मतलब डायग्राम बनेगा क्यूब का, अभी वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है यहां पर। ठीक है, तो मैंने बनाया जी क्यूब, देखिए इस तरह से क्यूब बनाता हूं मैं, ये मेरा क्यूब बन के हो गया तैयार। ठीक है जी, इसकी एज है, एज का कोई नाम इसने नहीं दिया हुआ तो मैं ए रख देता हूं, इसका नाम ए ए ए, ये इसकी एज है, डायमेंशन आ गई। अच्छा, इसने कहा इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो पता लग गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये एज का डेरिवेटिव है, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी, एज को आपने ए बोला हुआ है स्मॉल ए, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको देख के हमें पता लग गया कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछा है हाउ फास्ट, हाउ फास्ट का मतलब तो डी अपॉन डी टी होता है, और किसके साथ है ये हाउ फास्ट, वॉल्यूम, ओहो मतलब डीवी अपॉन डी टी वी नीड टू फाइंड। ऑलराइट, तो डीवी अपॉन डी टी वी नीड टू फाइंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीजिंग वेन एज इज 10, एज भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। देखो ये 10 सेंटीमीटर, इसके आगे तो पर सेकेंड नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल एज दी हुई है, ए दिया हुआ है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। तो गाइज यूनिट को देख के पता चल जाता है, तो ये डेटा आप ऐसे करके लिख लेना और सॉल्यूशन इसके नीचे ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। तो अगेन आपको मालूम है वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहां हेडिंग डाल दीजिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ए क्यूब होता है, क्योंकि मैंने एज ए मानी हुई है। तो फिगर बना लोगे
तो सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे, तब भी याद नहीं है तो पेज पर लिख लो कहीं से देखकर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी होना है, क्योंकि सारा काम यहां पे टी में चल रहा है, सेकंड लगा हुआ है, ऐसे पहचानना है आपको डीवी अपॉन डीटी। बताओ ए क्यूब का 3a² डेरिवेटिव, फिर a का दोबारा होगा तो आएगा da by dt। जैसे देखो y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता था, याद करो y क्यूब तो होता था 3y² और y का दोबारा होता था तो dy by dx। जैसे sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x याद करो तो sin y का होता था cos y, y का दोबारा होता था तो dy by dx। ऐसे यहां a का विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो इसलिए da by dt दोबारा आ रहा है। ठीक है, a यहां पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने ए ही माना हुआ है। कभी आप सोचो सर ए तो कांस्टेंट हुआ करता था, मैंने नाम ही इसको ए दिया है और ए यहां वेरिएबल है, लिखा भी हुआ है वेरिएबल क्यू, मतलब उसकी एज वेरिएबल है। अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने कहा था वेरिएबल हो तो विद रिस्पेक्ट टू वही करते हैं। अरे यहां लिखा ही नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू एज करो, तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। ठीक है, परेशान ना हो, वैल्यू डाल दो 3 ऐसे ही। ए कितना है गाइस 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। da by dt वो कितना है गाइस 3, तो आंसर आ गया आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, पर सेकंड या सेकंड लिखना है, मिनट लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। तो आई होप ये बात आपको पकड़ में आई होगी। आगे मत बढ़ो, पहले इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बिना देखे, ठीक है, फिर आगे बढ़ना, वरना कॉन्फिडेंस हिल जाएगा जी। बच्चा पार्टी देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ध्यान रखना, माइनस में लेंगे, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इस 3 सेंटीमीटर पर मिनट को देख के पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव है, नॉर्मल नहीं है। अच्छा, विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, विड्थ इंक्रीज हो रही है और 2 सेंटीमीटर पर मिनट को देख के पता चल रहा है ये डेरिवेटिव है, इसे प्लस में लेंगे क्योंकि इंक्रीज है। x दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। इसने कहा फाइंड रेट ऑफ चेंज, याद करो रेट ऑफ चेंज का मतलब डी अपॉन डी टी। अच्छा जी, किसके साथ, पैरामीटर और एरिया के साथ, मतलब हमें पैरामीटर और एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी टी का चक्कर चल रहा है और टाइम या मिनट में लेना है। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन से देख के मैंने डेटा इधर लिख दिया, पहले मैंने बना दिया डायग्राम रेक्टेंगल का, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। डायग्राम बनाने से बेनिफिट बस एक है, फॉर्मूला याद हो जाता है, dx अपॉन dt, देखो मैंने नेगेटिव में लिया क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा था, dy अपॉन dt पॉजिटिव लिया मैंने, इंक्रीज था, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dp अपॉन dt पैरामीटर का डेरिवेटिव और एरिया का डेरिवेटिव मुझे निकालना है। ठीक है गाइस, तो ये बातें ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज दी होती हैं इन्हें डेरिवेटिव करने के बाद पुट करना होता है। ठीक है, चलिए तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2x + y, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां आएगा dp अपॉन dt 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, वैल्यूज भर दो, dx अपॉन dt कितना है गाइस माइनस का 3, ये कितना है गाइस 2, आंसर आपका आ गया माइनस का 2, यूनिट बना दो सेंटीमीटर पर मिनट, ये मेरा आंसर है, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एरिया थोड़ी है। ठीक है, अच्छा जी अब आ जाओ एरिया पे, एरिया की हेडिंग, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रहा डिफरेंशिएट। अब यहां थोड़ी चालबाजी विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, बच्चों से गलती हो जाती है ये, दिमाग से निकल जाता है, तो याद रखना डी अपॉन डी टी लगाओ, एक्स एज इट इज वाई का होगा तो डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज एक्स का होगा तो डी एक्स बाई डी टी। अब डालो वैल्यूज, ठीक है, प्रोडक्ट रूल जैसे मर्जी लगाओ, एक्स कितना है गाइस, एक्स है 10 तो 10 रखो, डी वाई डी टी कितना है डेरिवेटिव 2, ओके, वाई कितना है गाइस 6 डालिए और डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस का 3, मुझे पता है आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो इसका आंसर भी 2 आएगा लेकिन पॉजिटिव, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है, मिनट क्यों, सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में डील कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, अभी प्रैक्टिस करो, अभी आगे मत बढ़ो। देखिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मत देखना पहले क्वेश्चन को देखो, ओके, इसमें लिखा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, नॉर्मल तो है नहीं क्योंकि यूनिट को देख के पता चल रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल रेडियस है क्योंकि सेंटीमीटर है, आगे पर सेकंड या पर मिनट नहीं है, ये नॉर्मल है।
आगे का है हाउ फास्ट, हम समझ गए हाउ फास्ट का मतलब डी अपॉन डी टी। अब किसके साथ है ये, हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड का मतलब एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इसका मतलब डी अपॉन डी टी की बात यहां पर हो रही है। तो ध्यान से देखो यार, खुद सोचो, कोई शांत झील है, कोई पॉन्ड है, तालाब है, उसमें पानी है, अगर आप एक किनारे पे बैठे हुए हो और आपके मन में बातें आई कि लाइक पत्थर उठा के इस पानी में फेंक दूं, तो जैसे ही आपने पत्थर पानी के अंदर फेंका तो पत्थर सपोज करो यहां आया, तो क्या होगा, सर्कुलर वेव जनरेट होंगी, पहले ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, होते 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 वो सर्कुलर वेव खत्म हो जाएगी, फिर आप दोबारा पत्थर फेंकोगे दोबारा जनरेट हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, देखो रेडियस इंक्रीज नहीं हो रही, इस सर्कल की रेडियस ये है, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, तो सर्कल अगर बढ़ रहा है तो रेडियस भी तो बढ़ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डेटा देख के मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाया समझाने के लिए। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एरिया तो है नहीं, है ना, और वैसे भी यहां लिख रहा हुआ है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज तो दबी होगा जब रेडियस धीरे 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 बढ़ेगी, तो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये डेटा हमने कैसे निकाला, आर हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें निकालना है डी ए बाई डी टी। तो एरिया की बात हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ए का डी ए बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर का होगा तो 2R, और R का दोबारा होगा तो डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सारी वैल्यूज अब डालो, जब डेरिवेटिव हो गया वैल्यू सारी डाल दी, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया है, पर क्यों आया, क्योंकि अपॉन है, सेकंड क्यों आया, क्योंकि टाइम है, मिनट क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर में डील कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी अजीबोगरीब आएगा तो उसे बड़े आराम से ना अंडरलाइन कर करके पढ़ा करो, परेशान मत हुआ करो। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि इसे आप कम से कम 2 बार सॉल्व करें, अनलिमिटेड टाइम ये सीबीएसई के अंदर आ चुका है। तो सॉल्यूशन अभी ना देखें, पहले देखें ऊपर क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखो ये कोई वॉल है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड हो गया और ये कोई लैडर है, लकड़ी की सीढ़ी जो होती है लैडर है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये वॉल के अगेंस्ट लीन है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, ये इसका बॉटम है, कि कोई बच्चा आया और इसने इसका बॉटम पकड़ा और खींच दिया इस तरह से, तो अगर इस बॉटम को खींचोगे तो ये टॉप तो नीचे आ जाएगा ना, यानी बॉटम, यानी अब देखो लैडर कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये देखो। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ग्राउंड की जो एक्स है वो तो यहां से लेकर यहां तक देखो बढ़ गया, और जो हाइट है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई हाइट, है ना, और लैडर की लेंथ तो अब भी देखो 5 थी और अभी भी 5 है, तो ए पॉइंट आ गया ए डैश पर और सी आ गया सी डैश पर, ये इसका नया फिगर है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ही अभी भी बना हुआ है, भाई वॉल तो सीधी होगी। तो ये डायग्राम ध्यान रखना कि जब कोई बॉटम को खींचेगा तो ये हाइट डिक्रीज हो जाएगी और बेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैंने यहां लिख दिया है कि लैडर जिसको मैंने हाइट माना है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। आगे देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बड़ा कंफ्यूज कर रहा है यहां पर बच्चों को, भाई ये तो पता है कि सेंटीमीटर पर सेकंड ये डेरिवेटिव है, लेकिन किसका डेरिवेटिव है, ध्यान से देखो, ग्राउंड के अलोंग ड्रैग हुआ है, तो ग्राउंड, ग्राउंड कौन है, एक्स, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी, इसे एक्स माना है मैंने, तो एक्स का डेरिवेटिव है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि देखो इंक्रीज हुई है, ये जो लेंथ है ये यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हो गई, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। आगे देखो, अब नया फिगर ये बन के हो गया मेरा तैयार, ऑल राइट। लिखा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, अच्छा मतलब ये मांगा है, तो डी वाई बाई डी टी हमसे मांगा हुआ है, और डिक्रीजिंग क्यों, क्योंकि डिक्रीज तो हुआ ही है, मतलब हमें यह मालूम है कि डी वाई बाई डी टी जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, आंसर इसका नेगेटिव आएगा, ये तो श्योर है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देखो जो नया वाला फुट है लैडर का ये सी, वो अब सी डैश पर आ गया, तो यहां से वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है ये, तो यानी जो बेस है नया वाला वो 4 मीटर है, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से वीडियो को रोक दो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो और डायग्राम एक बार बना लो, आपको आया या नहीं आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में गाइस दिक्कत ये हो गई कि कुछ चीजें देखो सेंटीमीटर में, कुछ चीजें मीटर में, तो या तो पूरी तरह से इसको मीटर में कन्वर्ट करो या पूरी तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इट इज बेटर कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेरिवेटिव सेंटीमीटर में है, ओके,
तो इसलिए मैंने इसको बोला 500, इसको बोला 400। क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट करके लिख लो। ऑलराइट, अब देखो इसके अंदर दो दो वेरिएबल है, एक तो ग्राउंड है जो एक्स है और एक हाइट है जिसको मैंने वाई माना हुआ है, और ये जो लैडर है ना एच, ये वेरिएबल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि एच तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो 5 मीटर ही रहेगी लैडर, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चाहे जमीन पे लिटा दो, ठीक है। लेकिन हाइट डिक्रीज हो रही है और ये बढ़ रहा है, तो वेरिएबल वो होते हैं जो बदलते हैं। तो दो वेरिएबल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बात एरिया की भी नहीं हो रही, सर्कमफेरेंस की भी नहीं हो रही, पैरामीटर की भी नहीं हो रही। तो ऑफकोर्स राइट एंगल ट्राइंगल में एक कॉन्सेप्ट लगता है, पाइथागोरस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। पाइथागोरस आपको मालूम है ना, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये लगाया। तो पहले मैं जानकारी और निकाल लेता हूं उससे। एक्स मुझे मालूम है 4 मीटर है, ठीक है, एच मुझे मालूम है 5 मीटर है, तो मैंने पुट करके वाई निकाला 3 मीटर, इसको उधर भेजकर, जो 300 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं। दोबारा से मैंने इसी रिलेशन को यूज किया डेरिवेटिव के लिए। एक बार मैंने यूज किया ताकि कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वाई के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है कि वाई मेरा 300 मीटर पे आ गया है। ये तो भाई देखो, वाई 300 मीटर पे सेंटीमीटर पे आ गया का मतलब है कि इस टाइम इसकी लेंथ 300 है, ये वाला वाई जो है वो 300 है। लेकिन हमसे इसने चेंज पूछा है, चेंज का मतलब किस हिसाब से ये डिक्रीज हुआ, यानी जैसे ये जो किसी बंदे ने इस लैडर का बॉटम ड्रैग किया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने ड्रैग किया, ड्रुक 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 इस तरह से। तो हाइट कितनी स्पीड से डिक्रीज हुई, तो वो मांग रहा है, तो वो डीवाई बाई डी टी होता है, ये तो वाई है, ठीक है। तो दोबारा से इसको हमने यूज किया, अब एक्स रखो मत क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद रखेंगे, क्योंकि एक्स तो बदलता रहेगा, वाई रखो मत, एच रख दो क्योंकि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो 5 ही रहेगा, रख दिया। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, दो बार यूज हुआ है, एक बार अननोन निकालने के लिए, एक बार डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करो गाइस, एक्स स्क्वायर का 2x dx by dt, y स्क्वायर का 2y dy by dt is equal to 0, 2 से डिवाइड कर दो, 2 देखो यहां से गायब हो गया, x 400 है, सारी चीजें सेंटीमीटर वाली पुट करो, dx by dt 2 है पुट किया, y 300 है, dy by dt वी डोंट नो, ये 800 उधर गया, ये अपॉन में गया, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। देखो नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन को प्लीज अभी करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके यूटी में, हमेशा टीचर देगा इसे, तो बच्चों को आंसर भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर डेटा बदल देगा तो आंसर भी बदल जाएगा, तो प्लीज इसे दोबारा पढ़ो, अभी करो, आगे मत बढ़ो, मेरी बात मानो। तो बच्चा पार्टी, रेट ऑफ चेंज का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है और इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाए, बस आपको क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान से देखो, अगर आपको वॉल्यूम का डेरिवेटिव या एरिया का डेरिवेटिव दे दिया जाए, गिवन हो, तो पहले इन दोनों जो भी आपको गिवन है, या तो ये गिवन होगा ये पूछेगा, ये गिवन होगा ये पूछेगा, तो जो भी आपको दे दिया जाए तो पहले उसको यूज कर लो, ठीक है। यूज इट फर्स्ट टू गेट समथिंग, ये तो इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में बोलता हूं फील लाने के लिए। अगर आपको वॉल्यूम का डेरिवेटिव या एरिया का डेरिवेटिव दे दिया जाए तो पहले इसे इस्तेमाल करो, क्यों, वहां से कुछ मिलेगा। दोबारा बोलो, अगर वॉल्यूम या एरिया का डेरिवेटिव दे दिया जाए तो पहले इन्हीं को इस्तेमाल करो, रीजन, वहां से कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो आगे कैलकुलेशन में यूज होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जब भी क्वेश्चन में वॉल्यूम या एरिया देगा, गिवन होगा, तो पहले उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, उसी को यूज किया जाएगा, वहां से कुछ मिलेगा, वी विल गेट समथिंग, और वो समथिंग आगे यूज होगा। कैसे यूज होगा, न्यूमेरिकल देखते हैं, पक्का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बड़े ध्यान से पढ़ना अंडरलाइन करके, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओहो क्यूब, क्यूब का डायग्राम बन गया जी, ये एज हो गई इसकी, ए ए मानो या एक्स एक्स मानो या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आराम से पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे ही मेरी नजर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पे गई, मेरे कान खड़े हो गए, तो मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम तो है नहीं, ये तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव है। क्यों? पर सेकेंड को देखकर, इसको देखकर पता चलता है, अगर ये पर सेकेंड ना होता, 8 सेंटीमीटर क्यूब होता, तो ये वी होता, अभी ये वी का डेरिवेटिव है। तो जानकारी मिल गई, आगे बढ़ते हैं गाइस। हाउ फास्ट, ओहो हाउ फास्ट, हाउ फास्ट का मतलब डेरिवेटिव,
ठीक है जी, किसके साथ है ये वर्ड? हाउ फास्ट सरफेस एरिया, ओहो मतलब एरिया का डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से टी में डेटा चल रहा है। समझ में आ गया, सरफेस एरिया दो होते हैं, एक कर्व और एक टोटल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया लिया जाएगा, ठीक है, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो टोटल सरफेस एरिया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, ओहो एज की लेंथ भी दे दी गई, ए दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। ये जो ए दिया हुआ है ये इनिशियल नहीं है, ये इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ होगा, ये बढ़ गया होगा, जब ये बढ़ गया होगा तो उस फाइनल स्टेज का ए दिया हुआ है बढ़ने के बाद। तो इसने पूछा है बताओ किस स्पीड से एरिया बढ़ा है, यानी इतने सेकंड में इतना, इतने सेकंड में इतना, इतने सेकंड में इतना, वो पूछ रहा है, ये वेरिएबल चीजें पूछ रहा है, ये तो फिक्स चीज है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने, और आपको मालूम है कि वॉल्यूम और एरिया में से अगर कुछ दे दिया जाए तो पहले उसी को इस्तेमाल करो, क्यों, वहां से कुछ मिलेगा, तो विल गेट समथिंग। तो आइए गाइस पहले वॉल्यूम को लपेट लेते हैं, आ जाए भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, वॉल्यूम का डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी, ए क्यूब का 3a² और a का दोबारा होगा तो dA बाई डी टी, ठीक है। तो यहां वैल्यूज फिट कर दो, डेरिवेटिव हो गया, जो जो पता है रख दो, ये पता है 8 है, 3 नहीं पता, a पता है मैं 12 है, स्क्वायर करने पर 144 क्योंकि स्क्वायर है, dA बाई डी टी नहीं पता, ये सारा अपॉन में, तो हमारे पास dA बाई डी टी की वैल्यू आ गई 8, 3, 144। इसको ऐसी रखो, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है क्योंकि एज है, ए बोला तो एज, और एज सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। तो मैंने कहा था ना कुछ मिलेगा, तो देखो आपको कुछ मिल गया है ना। अब बात हो रही है एरिया की, अब निकालो एरिया। तो ये स्टेप याद रखना, एरिया दो होते हैं, एक कर्व और एक टोटल, हम लेंगे टोटल, तो टोटल एरिया होगा इसका 6a², डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा dA बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 12a और ए का दोबारा होगा तो dA बाई डी टी। अब सुनना मेरी बात, अगर आप इसका यूज ना करते, वॉल्यूम का यूज ना करते, तो आपके पास इसकी वैल्यू नहीं आ पाती, और अगर इसकी वैल्यू नहीं आ पाती तो ये क्वेश्चन यहीं अटक जाता। देखो ना इसके अंदर इसकी जरूरत है, तो ये जरूरत ये पूरी कर रहा है, इसलिए मैंने इसे कॉन्सेप्ट बना दिया। ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा कि ऐसा हो तो वैसा करो, ऐसा हो तो वैसा करो, ये सब आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन ईजी लगे आपको। तो याद रखना बहुत बेनिफिट होगा, 12 वैसे ही, ए कितना है गाइस 12, और dA बाई डी टी ऊपर से ले लो, दैट इज 8, 3, 144, कट 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 करोगे, यू विल गेट 8/3 cm² per second, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आया समझ, आंसर प्लस में आया तो इंक्रीमेंट हुआ होगा, माइनस में आया तो डिक्रीमेंट हुआ होगा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ चलिए, वेरी गुड। देखिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने ऊपर, सॉल्यूशन मत देखना पहले, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन लंबा है, बहुत मजा आएगा, समझ लो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी इसका आंसर। इसमें लिखा है सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, अच्छा पाइप से कोई मिट्टी गिर रही है एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, ओहो जैसी मैंने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड देखा मेरे कान खड़े हो गए और मैंने लिख दिया भाई ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, मतलब ये वॉल्यूम है, ठीक है। पाइप से देखो मिट्टी गिर रही है, मिट्टी आ रही है, मिट्टी आ रही है, आपको मालूम है जब मिट्टी गिरती जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कोन की शेप ले लेगी और कोन बड़ा होता चला जाएगा, तो ये कोन की हाइट है h और ये कोन की रेडियस है r, ठीक है, मिट्टी गिर रही है तो वॉल्यूम जो बन जाएगा इसका वो 12 cm³/s है, कोई दिक्कत नहीं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, अच्छा लिखा भी हुआ है ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल सही, इन सच अ वे दैट, अच्छा अब सुनना ध्यान से, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, अच्छा मतलब जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाय 6, इसका मतलब हाइट रेडियस का 1/6, तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकाल सकता हूं, 6h, r की वैल्यू 6h आ गई, ठीक है, या तो h निकाल लो या r निकाल लो। अब ये पता कैसे चलेगा कि r निकालना है या h निकालना है, उसके लिए होल्ड करो, रुक जाओ अभी, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने लिखा है हाउ फास्ट, ओहो हाउ फास्ट, हाउ फास्ट का मतलब dA / dt, किसके साथ लगा हुआ है, हाउ फास्ट हाइट, ओहो dH / dt पूछा हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है कि जो हाइट है वो 4 cm है, मतलब फाइनल शेप इसकी 4 cm आ गई है, ठीक है ये तो फाइनल शेप आ गई, लेकिन इसमें कितने स्पीड से बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, वो निकालना है, ठीक है जी।
तो देखो बेटा बात हो रही है हाइट के बारे में, हमें निकालना है एच के बारे में जानकारी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी अभी आपने सीखा है कि अगर वॉल्यूम आपको दे दिया जाए तो पहले उसी को यूज करो, वहां से कुछ मिलता है। तो वॉल्यूम को मैंने यूज किया, वॉल्यूम मेरा ये आ गया। अब देखो यहां पे आके कहानी अटक गई, क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो आर हो या एच हो, अगर मल्टीप्लाई में है तो, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में तो एक वेरिएबल में से बना लो। अगर बन सकता है तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि देखो रिलेशन दिया हुआ है आर और सिक्स एच में। नहीं बन सकता होता तो कुछ और देखते, ठीक है, तो हमेशा बनेगा। अब मेरे ऊपर बात है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरे को एच में बना लू या आर में बना लू, मेरे से पूछा हुआ है एच का आंसर, तो पूरे क्वेश्चन को एच में बनाओ, इसलिए मैंने आर की वैल्यू निकाली 6H। आया समझ? अगर मेरे से आर के बारे में पूछता dr by dt, तो मैं एच की वैल्यू आर बाय सिक्स इसमें रख देता। तो फिलहाल मेरे को पूरा क्वेश्चन बनाना है एच में, क्योंकि एच के बारे में जानकारी चाहिए। तो आर की जगह रख दो 6H, आर का स्क्वायर 6H का स्क्वायर इतना आ जाएगा, 3 से 36 कट होके इतना आ जाएगा, एच और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, एच क्यूब का 3 आगे आएगा, तो 36 अगेन एच स्क्वायर, और एच का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। जो जो पता है सब रख दो, ये पता है आपको 12, ये ऐसी रहेंगे दोनों, एच पता है आपको कितना है 4, तो 16 हो जाएगा, ये नहीं पता नो प्रॉब्लम, ये सारी वैल्यू अपॉन में आएंगी, काटापिटी हो जाएगी, पाई को नहीं छेड़ना है, पाई को ऐसे रहने दो। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, अभी क्लियर करो उसे, अभी के अभी करो जी। गाइस ये डाउट है बच्चों का, होता है एक्चुअली, आप मेरे से पूछोगे मुझे पता है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अब पार्टिकल, पार्टिकल समझते हो, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, तो कोई पार्टिकल देखो ये रहा, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं पार्टिकल, साइंस का टॉपिक है ये। तो अब पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, ये कर्व हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब इस पे पॉइंट बताने, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने निकल पाएंगे उतने बताने। एट विच, जिसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट चेंज, चेंज का मतलब डी अपॉन डी टी, याद करो डी अपॉन डी टी, चेंज रेट, एट वॉट रेट, 8 times एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, सॉल्यूशन देखना अभी समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ना, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं। गिवन, इसने लिखा है वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 times ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। देखो चेंज का मतलब होता है डी अपॉन डी टी, वाई के साथ लगाओ डी वाई बाई डी टी, इक्वल 8 times, तो 8 times का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स कोऑर्डिनेट डी एक्स बाई डी टी। अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी ये वाली। आगे हमें कर्व दिया हुआ है, हमने यहां पर लिख दिया। अब इसने पूछा हमें पॉइंट बताओ, कर्व के ऊपर पॉइंट कितने पॉइंट निकल सकते हैं ये बताने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये कर्व है और इसने पॉइंट पूछा है, तो डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज तो करना ही है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर, और एक्स का दोबारा होगा तो डी एक्स बाई डी टी, इसका हो जाएगा 0। इक्वेशन थर्ड, अब इनमें कुछ लिंक बनाओ, तो देखो इसका लिंक बन रहा है इसके साथ, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बची, फर्स्ट एंड थर्ड, ये 6 एज इट इज, आप देख रहे हो डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है, दैट इज 8 times डी एक्स बाई डी टी, और राइट इक्वल में 3 एक्स स्क्वायर है और डी एक्स बाई डी टी, देखो ये दोनों हो गए कट, और 3 से ये भी हो गया कट, तो बचा कितना 2, और ये हो गया 16, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 4, लो जी एक्स की वैल्यू आ गई, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 इसमें डाल दो इक्वेशन में, ठीक है, फ्रॉम 2, तो आपको यहां से मिल जाएगा 6y, यहां डालो 4, तो 4 4 16, 64 हो जाएगा गाइस, तो y की वैल्यू आएगी 66/6, जो कट होके 11/3 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपका आ गया कितना 4/11/3, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप खुद करना, CYS बोला, तो x की वैल्यू -4 डालो इसके अंदर, तो y की वैल्यू आएगी, वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो इतने ही पॉइंट निकल पाएंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, अब पढ़ो क्वेश्चन दोबारा, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए ये भी बच्चों का डाउट है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, बैलून की शेप तो अलग अलग होती है, तो यहाँ पे स्फीयर वाला बैलून है, ठीक है, हैज वेरिएबल डायमीटर, अच्छा डायमीटर दे दिया गया, नो प्रॉब्लम, फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चों से पता नहीं क्यों नहीं होता। तो ये बना दिया जी हमने स्फीयर, डायमीटर हमें दे दिया गया, नो प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ कोर्स डायमीटर का हाफ, तो इसके अपन में जब हाफ आएगा तो वो हाफ इससे मिलके 4 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, आर की वैल्यू ये वाली डाली इसके अंदर,
तो जब मैं आर क्यूब की जगह ये डालूंगा ना, तो 3 के ऊपर क्यूब आएगा 27, 4 के ऊपर आएगा 64, इसके ऊपर आएगा होल क्यूब आ गया। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का बताओ डीवी अपॉन डी एक्स 4/3 एज इट इज, पाई ये तो कॉन्स्टेंट है भाई, ये तो ऐसे ही रहेंगे। डेरिवेटिव इसका होगा पहले पावर का, 3 आगे आएगा, ऊपर कितना बचा 2, फिर अंदर वाले का इनर फंक्शन का, तो 2x का डेरिवेटिव 2। अब इसे सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, बस डरो मत। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब तक सारा बेसिक था, हालांकि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैडर वाला था, ठीक है? फिर भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर सीखना। देखो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए ना, तो क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो, जानकारी वहीं पे मिल जाएगी। इसमें लिखा है अ मैन, तो देखो मैंने मैन को कर दिया अंडरलाइन। ऑफ हाइट 2 मीटर, अच्छा उसकी लंबाई 2 मीटर है, बहुत लंबा व्यक्ति है, तो 2 मीटर को मैंने कर लिया अंडरलाइन। वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है, तो मैंने देखो 5 किलोमीटर पर आवर को लिख दिया। ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, नॉर्मल तो है नहीं, ये तो डेरिवेटिव है, पता कैसे लगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है? साइंस वाले बच्चे तो समझते होंगे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, तो वही चीज है। कॉमर्स वाले परेशान ना हो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस होता है, बट फिक्स डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, बट कॉमर्स वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो, आप इसे मान के चलो स्पीड है ये। और लैम्प पोस्ट, अच्छा वो लैम्प पोस्ट से दूर जाता है, लिखा ना ऑलवेज फ्रॉम लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। लैम्प पोस्ट आप समझते हो, आपके घर के आसपास देखा होगा पार्क में बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं जिनके ऊपर लाइट लगी होती है ना, या चौक पर चौराहे पर लगे होते हैं इस टाइप के, तो बड़े बड़े लैम्प पोस्ट। अच्छा फाइंड रेट एट विच लेंथ ऑफ इज शेडो इंक्रीजेस, आपने कभी नोटिस किया है जब आप लाइट में चल रहे होते हो तो आपकी परछाई आपके पीछे से आ रही होती है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, फिर आपकी जो शेडो है फिर पीछे से आती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर न्यूमेरिकल बना दिया गया, ठीक है? तो ये फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, तो फटाक से ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन, जल्दी पढ़ो उसे। देखिए जी सॉल्यूशन, देखो ये कोई लैंप पोस्ट है, ठीक है? यहां पर लगा हुआ है लट्टू, ये लट्टू जल रहा है, यहां बल्ब जल रहा है, ये ए पॉइंट है, और ये कोई आदमी है 2 मीटर का, तो इसकी खोपड़ी पे रोशनी आ रही है, देखो इसकी चांद पे रोशनी आई, रोशनी आई, रोशनी आई, तो जैसी रोशनी आएगी तो इसकी परछाई, ये देखो परछाई इसकी शेडो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ध्यान रखना, तो मैंने डायग्राम बना दिया इस टाइप से, ये पूरा डायग्राम बन के तैयार है, ये लैंप पोस्ट है और ये मेरा कोई मैन है, और ये डिस्टेंस कवर किया इसने लैंप पोस्ट से, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, डायरेक्शन देखो ये वाली है, और ये इसकी शेडो है, ओके? ये कोई थीटा एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रायंगल देखो राइट एंगल है, ये भी 90, ये भी 90, तो शेडो को मान लिया मैंने वाई, और डिस्टेंस जो इसने कवर करी है उसको मैंने मान लिया एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी छोटे वाले ट्रायंगल ई सी डी के साथ सिमिलर है, याद करो सिमिलर ट्रायंगल। अरे जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, देखो ये थीटा एंगल छोटे वाले के अंदर भी है और बड़े वाले के अंदर भी है, है ना? देखो बड़े वाले के अंदर एक 90 डिग्री, छोटे वाले के अंदर भी एक 90 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल है, तो छोटा वाला बड़े वाले के साथ सिमिलर है, ये ध्यान रखना सिमिलर का साइन है। और याद करो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड, उनकी प्रपोर्शनल साइड का रेशो सेम होता है, तो एक काम करना बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और छोटे वाले का परपेंडिकुलर एक साथ लिख दो, बड़े वाले का बेस और छोटे वाले का बेस एक साथ लिख दो, आपकी मर्जी है, पहले आप बड़ा लिखो या छोटा लिखो, लेकिन पैटर्न सेम रखना है। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले की परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले का परपेंडिकुलर इक्वल बड़े वाले का बेस अपॉन छोटे वाले का बेस। मैं चाहता तो हाइपोटेनस भी ले सकता था, बट कोई यूज ही नहीं है, तो मेरा इनसे काम बन जाएगा। ए बी मेरा 6 है, दे रखा है, ई सी मेरा कितना है 2 है, मैन की हाइट दे रखी है, बी डी बी से लेके डी तक इन दोनों का सम होगा वो लिख लिया, डी सी वो मेरा वाई है वो लिख दिया, 2 से 6 हो गया कट, 3 आया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया वाई को उठा के इधर लाया 2y हो गया, डेरिवेटिव 2se, वाई का dy dt, x का dx dt, वाई विद रिस्पेक्ट टू t होना है, ठीक है? 2 गया उधर तो 1/2, और dx dt मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा, ये जो 5 है ना 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, स्पीड है। अब बात आती है सर ये dx dt है dy dt क्यों नहीं,
अरे डिस्टेंस कवर किया है उसने, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस का डेरिवेटिव ही तो स्पीड होता है, तो ये तो शेडो है, ये तो बाद की बात है, वो तो यहां पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए एक्स का डेरिवेटिव है ये। तो एक्स का डेरिवेटिव 5 रखा मैंने, ऐसे कट किया 2.5 किलोमीटर पर आवर, उसकी शेडो की स्पीड आ गई इंक्रीमेंट की। तो ये क्वेश्चन जरूर करना है आपको। देखिए जी एक क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन करके पढ़ना। अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, कोन को उल्टा करके, तो देखो मैंने उल्टा कोन बना दिया, इसके अंदर ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, और ये कोई एंगल है इसका, सेमी वर्टिकल बोलते हैं, सेमी मतलब आधा और वर्टिकल माने टॉप का, तो ये एक्चुअल में तो शेप ऐसी होती है, तो टॉप तो यही माना जाएगा ना, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है। याद रखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने कौन है, रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये याद रखना। आगे विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, ठीक है जी, बात पूरी मानी गई है इसकी। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन इनवर्स 0.5। ओहो, सेमी वर्टिकल एंगल टेन इनवर्स 0.5, याद करो इनवर्स को हम एंगल कहते हैं, ये पूरा एंगल है, ठीक है, अल्फा हमें दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, याद करो टेन इनवर्स अपनी जगह बदलेगा तो ट्रिगो बन जाएगा, ये मैंने चैप्टर 2 में बड़े डिटेल में पढ़ाया था आपको, तो इनवर्स ने जगह बदली तो वो ट्रिगो बन गया, ठीक है। टेन क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर रेडियस है, ध्यान रखना हर खड़ी हुई चीज परपेंडिकुलर नहीं होती, तो यहां पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसलिए आर बाय एच हो गया। यहां से सॉल्व करके मैंने आर निकाल लिया, क्यों निकाला उसका रीजन है, होल्ड होल्ड करो, अभी आगे पढ़ते हैं। इट सेमी वर्टिकल हो गया, ठीक है जी। वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। जैसे ही मैंने क्यूबिक मीटर पर आवर देखा मेरे कान खड़े हो गए, क्यूबिक मीटर का मतलब ये, मीटर क्यूब पर आवर, मतलब ये 5 डेरिवेटिव है, नॉर्मल नहीं है, तो ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव दे दिया गया, ठीक है जी। फाइंड द रेट, अच्छा रेट मतलब डेरिवेटिव की बात होने वाली है, एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। अच्छा, लेवल ऑफ वाटर का मतलब हाइट, तो मतलब डीएच बाई डी टी मेरे से पूछा गया है, तो डीएच बाई डी टी मुझसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। एट द इंस्टेंट व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज इन द टैंक 4 मीटर, एच की वैल्यू भी दे दी गई, ये तो एंड में यूज होगी, ठीक है। तो बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करो अंडरलाइन कर करके, ओके गाइस। चलिए अब आपको मालूम है वॉल्यूम दे दिया गया, तो यूज इट फर्स्ट टू गेट समथिंग, कुछ मिलेगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। अब मैंने कहा था दो दो वेरिएबल है, वेरिएबल होना चाहिए एक, या तो आर या एच, तो देखो आर ने हेल्प करी, तो आर की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मुझे आंसर एच में चाहिए, अगर मुझे आंसर आर में चाहिए होता तो मैं एच की वैल्यू निकाल के रखता, ये बात पहले भी हो चुकी है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी आर की एच बाई टू, स्क्वायर करने पर ये आया, ठीक है, ये एच क्यूब हो गया, 3 4 12। अब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो डेरिवेटिव एच क्यूब का होगा तो 3h स्क्वायर, 3 से ये 12 कट जाएगा तो 4, सारी वैल्यूज डाल दो जो जो मालूम है, सब डाल दिया आपने, 4 से ये कट गया, अपॉन में भेज दो, दिस इज योर आंसर मीटर पर आवर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 डाल सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका एनफ है, तो प्लीज डरो मत, मेहनत करो। देखिए गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, इसमें लिखा है टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी। अच्छा, मतलब कोई आइसोसेलस ट्रायंगल बनाना है, ये दो साइड इक्वल है, ये एक्स और ये एक्स, ये मैंने मान लिया ये इसका बेस है जो बी दे रखा है, तो अगर बेस है और मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आधा आधा हो गया, ये बी बाई टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बी बाई टू, पूरा पार्ट बी है, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग कौन, टू साइड, तो यानी एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डीएक्स बाई डी टी मुझे दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मैंने डेटा लिख दिया, मैंने इधर लिख दिया ए बी और ए सी को मैंने एक्स माना हुआ है और बेस बी सी को मैंने बी माना हुआ है, ये तो मुझे गिवन है, बल्कि ये तो मुझे गिवन है, ठीक है गाइस। चलिए जी, और इसमें लिखा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो इसने हमसे पूछा है डी ए अपॉन डी टी बताओ, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो वो तो आएगा ही नेगेटिव, देखते हैं। आगे इसने लिखा है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, एंड में इसने ट्विस्ट डाल दिया कि जो दोनों इक्वल साइड है वो बेस के इक्वल है, यानी एक्स इज इक्वल टू बी, लेकिन इसको यूज करना है एंड में, अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इतना काम देखते हैं, क्योंकि जो भी हमें डेटा दिया होता है वो डेरिवेटिव के बाद यूज करना है।
क्वेश्चन को ध्यान से फिर पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो बात हो रही है एरिया की, तो गाइस एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस तो मुझे मालूम है पूरे का बी है, तो बी लिखा। हाइट कितनी है? हाइट इसकी एडी है, एडी के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप इस ट्रायंगल में देखो जो मैंने रेड पेन से बनाया है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या है, बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनस। तो मैं इनका रिलेशन बना सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, और मुझे यहां से एडी मिल गया अंडर रूट में कुछ अजीबो गरीब, नो प्रॉब्लम, मैंने एडी यहां रखा। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मेरा मेन फंक्शन ये है। तो अब बस बात बन गई, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बी तक बी का तो कुछ होना नहीं, जीरो ये हो नहीं सकता क्योंकि साथ में। तो ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, बी बाई टू ऐसी रहेगा, रूट का 1/2 रूट जो भी अवेलेबल है रूट के अंदर, फिर दोबारा होगा इसका, दोबारा होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x है ना, फिर x का होगा दोबारा, x का होगा तो dx by dt, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दो, और जहां x है वहां b भी डाल दो, क्योंकि इसने कहा x is equal to b है, तो यहां डालो x की जगह b, तो आ जाएगा b square माइनस का b square by 4, LCM लोगे तो 4b में से b गया 3b square, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, 2 से 2 कट हो जाएगा। उधर dx by dt की वैल्यू -3 डाल देना, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ओके। रैशनलाइजेशन वगैरह होगा तो यू विल गेट योर रिजल्ट। तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आए उसे बड़े आराम से पढ़ो, तोड़ तोड़ कर पढ़ो, तो इसको अभी सॉल्व कर लो। देखिए जी क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी एट अ टाइम टी जीरो सेकेंड एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू एट डिस्टेंस एक्स इन मीटर कवर्ड बाई इट, और टाइम इन सेकेंड है, और ये हमें दिया हुआ है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस टी बाई 3। मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ये इजी बन गया, ठीक है, आपको ऐसे दिया होगा आप उसे ऐसे बना लेना। इसने कहा टाइम बताओ कितना समय लगा क्यू पर पहुंचने पर, और डिस्टेंस बता दो पी क्यू के बीच में, मतलब ये कोई पॉइंट है पी और कार चली 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 और ये पहुंच गई क्यू पॉइंट पे। तो एक तो टाइम पूछ रहा है कितना समय लगा, और एक डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक्स मुझे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड होता है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है अकॉर्डिंगली डील करो, तो आपको जो भी दिया हुआ है आप करो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, क्योंकि क्वेश्चन टी में, तो 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t और टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 से 3 कट, ये डेरिवेटिव हो गया। एक बात बताओ, जब p पॉइंट से q पॉइंट पर जाएगा तो Q पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? जीरो, क्योंकि वहां जाके तो गाड़ी रुक जाएगी, तो एट पॉइंट Q जो हमारी स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, तो इसको जीरो के इक्वल रखा। मैंने सॉल्व किया, T कॉमन लिया, T की वैल्यू जीरो, T की वैल्यू 4। ऐसा तो हो नहीं सकता कि P से Q पर पहुंचने पर टाइम जीरो लगे, तो टाइम जीरो नहीं होगा, कुछ तो टाइम लगेगा P से Q पर जाने पर, तो टाइम हो गया हमारा 4, एक आंसर आ गया। इसने टाइम मांगा था, टाइम आ गया। अब इसने कहा स्पीड भी बताओ, तो टाइम की वैल्यू 4 पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट स्पीड डिस्टेंस आल्सो, ओके। तो इसको तैयार कर लो अभी। हां जी गाइस, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें लिखा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट, मतलब पानी निकल रहा है, लीकेज है कुछ। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कैनोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4। तो देखो ये मैंने बना लिया कैनोनिकल फनल, इसमें से यहां कोई छेद हो रहा है और पानी निकल रहा है, डिप 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 डिप, इस तरह से पानी निकल रहा है। ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4, आपको मालूम है थीटा के सामने वाला रेडियस, और ये क्या है हाइट, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया स्लांट हाइट इसका हाइपोटेनियस। इसका जिक्र क्यों हुआ, इसकी तो बात हम नहीं किया करते थे, तो इसका जिक्र क्यों हुआ, अभी आगे पढ़ो क्वेश्चन। इसने लिखा है एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 cm² per second इन सरफेस एरिया, 2 cm² per second को देखते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो एरिया का डेरिवेटिव है, वॉल्यूम क्यों नहीं, क्योंकि क्यूब नहीं है, ठीक है, अच्छा जी। और इसने कह दिया थ्रू द टिनी होल, मतलब बीच यहां कोई छोटा सा छेद है जिसमें से पानी निकल रहा है, एट द वर्टेक्स ऑफ बॉटम, ठीक है, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 4। अच्छा स्लांट हाइट की बात कर रहा है, इसीलिए एल बोला है मैंने, स्लांट हाइट दे दी गई है 4 cm, ठीक है जी। और मेरे से इसने पूछा है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट में कितना डिक्रीमेंट हुआ है ये मेरे से मांगा है इसने, ऑलराइट नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सर एरिया तो दो होते हैं, कर्व और एक टोटल, क्योंकि स्लांट हाइट यहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसने क्या बोला है टोटल, टोटल एरिया हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां पर सरफेस एरिया,
रीजन क्या है इसका बताइए जरा, क्या रीजन हो सकता है? रीजन इसका ये है क्योंकि देखो सरफेस एरिया के अंदर ये सारा एरिया होगा कवर, टोटल के अंदर बस ये सर्कल ही तो आएगा भाई, सर्कल के अंदर पानी थोड़ी है, पानी तो इस वेजल के अंदर है ना, तो ये वेजल जो है सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया को। तो कर्व सरफेस एरिया हमने लिया पाई आर एल, फिर वही दिक्कत, मैंने कहा था पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में होना चाहिए या तो आर में या एल में, यहां बनाना है हमें पूरा क्वेश्चन एल में क्योंकि आंसर हमें डीएल बाई डी टी निकालना है। तो पाई एल को यहां लिख लो, आर हमें कर रहा है दिक्कत है ना, आर दिक्कत कर रहा है। ध्यान से देखो यहां पर आर का और एल का कोई रिलेशन ढूंढो क्योंकि आर चाहिए है ना, आर और एल का, तो आर और एल का थीटा के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर ऑलरेडी दी हुई है, पी आर है एच एल है, साइन पाई बाय फोर वन अपॉन रूट टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आर निकल के आ गया ये, तो आर की वैल्यू ये वाली यहां फिट कर दो ठीक है, ये एल एल स्क्वायर हो गया, बस अब डिफ्रेंशिएट कर दो एल स्क्वायर का, टू एल डी एल बाई डी टी, इसकी वैल्यू आपको मालूम है टू, टू एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, एल की वैल्यू आपको मालूम है फोर, तो यहां से सारा कुछ अपॉन में भेज के रेसलाइज करके ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब मैं आपके सामने असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूं इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को प्लीज आप आज ही पूरा कर लें ठीक है गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत लंबी थी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, चलिए गॉड ब्लेस यू ऑल।